खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बाद से बड़ी खबर, दरअसल स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बेहद दुखद खबर फिलहाल आज सुबह मिली, क्योंकि ये दर्दनाक हादसा जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें सामने आई है और दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। जरा देखिएगा, ये कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों ने मोर्चा संभाला, आसपास के लोगों ने, हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। 6 लोगों की मौतें हैं, अभी तक के सामने नहीं आ पाया कि आखिर कार में कितने लोग सवार थे। वहीं दूसरी तरफ बस में क्या बच्चे थे या फिर नहीं, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार आंकड़ा जो है वो 6 लोगों का। अब इन 6 लोगों में कौन कौन लोग थे, क्या बस वाले और कार वाले मिलाकर कुल 6 लोगों की मौत है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 6 लोगों की मौत होना वाकई में बेहद दर्दनाक हादसा ये है। जरा देखिए किस तरीके से कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब कार को लोडिंग करके यहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी बहाल करनी है। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। जरा देखिएगा कितना दर्दनाक यह हादसा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, ये देखिएगा। अब ये समझना होगा कि आखिर क्यों रॉन्ग साइड जाया जाता है, आखिर इतनी स्पीड क्यों होती है। कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, बस से टकराती है कार। बस अपनी लेन से आ रही थी, कार अपनी लेन से आ रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ी और वो बस वाली लेन से आ गई। अब इसमें तस्वीरों में तो यही लग रहा है कि शायद बस रोंग साइड आ रही थी, क्योंकि कार वाली साइड से सब दूसरी तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। कार ने संभलने की कोशिश भी की, यहां कोशिश की कार ने संभल की। जरा देखिएगा एकदम से अचानक से उसने साइड लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में बस को भी लगा कि वो साइड ले सकता है और दोनों ही आपस में टकरा गए। ये दूसरी पहली तस्वीर जरा देखिएगा, शव को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। इससे दर्दनाक दुखद तस्वीर और क्या हो सकती है। दोनों ही वीडियो सामने आ चुके हैं, कितना दर्दनाक यह हादसा है। और ये एक्सप्रेस जो है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। एक बार फिर से देखिएगा कैसे हादसा हुआ। अब आपको एक बार की लगेगा कि शायद बस ने कार को टक्कर मारी है, लेकिन ऐसे में समझना होगा कि आखिर कौन रॉन्ग साइड जा रहा था। कार ने, कार और बस आमने सामने आ रहे थे, कार ने तुरंत खुद को बचाने की कोशिश की, बस ने भी साइड देने की कोशिश की, लेकिन अचानक दोनों आमने सामने आ गए और ये बहुत ज्यादा भीषण भिड़ंत हो गई, क्योंकि स्पीड कार की बहुत ज्यादा थी। जाहिर सी बात है बस भी अपने गंतव्य पर जा रही थी, तो उसकी भी टक्कर बहुत ज्यादा थी। आगे का हिस्सा बस का टूट चुका है इस टक्कर से, कार पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुकी है और 6 लोगों की मौत की खबर है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और जैसे ये हादसा हुआ, जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग जा रहे थे, गाड़ियों में थे, उन्होंने इसे देखा, अपनी गाड़ियां रोकी, मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी तक ये आंकड़ा 6 लोगों तक पहुंच चुका है। पुलिस प्रशासन अब पहुंच चुकी है और मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि अब इन गाड़ियों को यहां से हटाना होगा ताकि ट्रैफिक व्यवस्था वापस सुचारू की जा सके। लेकिन ये एक्सीडेंट का जो फुटेज सामने आया है, दिल दहलाने वाला है, डराने वाला है और सबक देने वाला भी है। आप अपनी साइड पर जाइए, अपनी लेन पे जाइए, अपनी स्पीड कंट्रोल रखिए। अब जांच का विषय है कि आखिर गलती किसकी थी, कौन रॉन्ग साइड से आ रहा था, कौन किसकी लेन से जा रहा था। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही भीषण दर्दनाक हादसा है। अब कार चालक और बस चालक, अगर वो इसमें बचते हैं तो उनसे पूछताछ होगी और भी इसमें समझना होगा कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया, क्योंकि आमने सामने की यह भिड़ंत है। और अगर जिस तरीके से जो नजर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि बस शायद रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन अभी भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये दर्दनाक हादसा जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है।